बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। डियर स्टूडेंट, मैं अली हसन आप सबको अल हसन व्लॉग में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस लेक्चर में मैं आपको व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, और बायोलॉजी की मेन डिविजन्स के बारे में बताऊँगा। लेट स्टार्ट। व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन टू अंडरस्टैंड नेचर। साइंस एक ऐसा इलम जिसमें मुशाहदात किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं, इन तजर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पर नताइज को अखज किया जाता है ताकि फितरत को समझा जा सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी इज कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन लाइफ, बायोस का मतलब लाइफ, जिंदगी, जिंदा जानदार, लोगोस, लोगोस का मतलब है थॉट, सोचना, रीजनिंग, वजह तलाश करना, एंड स्टडी और मुताला करना। अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें, द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के साइंसी मुताले को बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। देर आर थ्री मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की तीन मेन डिविजन्स हैं, नंबर वन जोलॉजी, नंबर टू बॉटनी, नंबर थ्री माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी, इन जोलॉजी द वर्ड जू मीन्स एनिमल्स, जानवर। सो zoology is the study of animals. Next, botany. The word botany is derived from botan. Botan means pasture, plants. Pasture means chragah, plants, paudhe. So, it is clear that botany is the study of plants. Next, microbiology. Micro means small, small living organisms. Microbiology is the study of small living organisms. What are small living organisms? Bacteria, viruses, these are all small living organisms. ये था आज हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखों के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर और वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकअल्लाह।